शौकत साहब, क्या वजह है? अब तो आपने देखा बुशरा बीबी को भी जो है वो रिहाई मिल गई है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो मामला सीधे होना शुरू हो जाएंगे, आसान होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप क्यों तनकीद कर रहे हैं पार्टी लीडरशिप पर कि पार्टी लीडरशिप की इन पॉलिसीज की वजह से इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सके? क्यों आप तनकीद कर रहे हैं पार्टी पर? देखिए, मेरी तनकीद ऐसी नहीं है कि मैं अपनी लीडरशिप को मान नहीं रहा या अपने लीडरशिप से मुतमईन नहीं हूँ। देखिए, हमारी लीडरशिप ने कुर्बानियां दी हैं और दे रहे हैं, लेकिन मैं जो चाहता था ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हमारी लीडरशिप को मजीद इसके लिए फाल रोल अदा करना है। पंजाब चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, सिंध चले जाएं, लोगों वर्करों को मोबालाइज करना है। ये तो नहीं है कि सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के हम तारीखों का ऐलान कर दें और वर्करों को कहें जाए तहरीक चलाएं। मैंने इस पे कहा था, बाकी नहीं तो क्या करें? पंजाब जाएं, सिंध जाएं, बलूचिस्तान जाएं, सड़कें ब्लॉक कर दें, एहतजाज करें, लोग डंडे खाएं, आंसू गैस के शेल खाएं, क्या करें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखें, एहतजाज तो अपनी जगह है ना, लेकिन जो हमारी तंजीम है, मरकजी तंजीम है, उनको विजिट जरूर करना चाहिए, दौरे करने चाहिए। दौरे सियासी दौरे होते हैं और ये अच्छी बात है। मतलब ये कि अगर पंजाब चले जाएं, लाहौर चले जाएं, किसी और जगह शहर चले जाएं, वर्कर मोबिलाइज हो जाएंगे। जरूरी तो नहीं है कि जाके आप रोड मोबिलाइज करने के दो तरीके हैं, या आप इजाजत लेकर जलसे कर लें, एहतजाज की तो इजाजत मिलती नहीं है, वो डंडे मिलते हैं या आंसू गैस के शेल मिलते हैं, उससे ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। मोबिलाइज या दो तरीके से हो सकता है, या एहतजाज कर लें या जलसे कर लें। देखिए, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है और ये हमें आईन ने दिया है कि सियासी एहतजाज होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन ये तो फस्ताई से भरपूर गवर्नमेंट है ना, इनकी तो कोई वो नहीं है। आज जो वाकया हुआ उसको देखें आप, जिस तरीके से इन्होंने ये ड्रामा रचाया वैन का और के जी कैदी भाग रहे हैं, तो सियासी लोग हैं, कोई दहशतगर्द तो नहीं है, लेकिन ये सारे ड्रामे आप देखें एक एक करके सिर्फ तारिक इंसाफ को मुश्किल में डालने के लिए। तो इन मुश्किल हालात में जो मेरी सबसे ज्यादा आप लोग ये बयानियां बना रहे हैं कि जेल जो कैदी जो है ना फरार करवाएं, बड़ा बोल रहे थे अता तारड़ साहब कि ये झूठा बयान या प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं, ये क्या मजाक है कि पुलिस वाले खुद कहेंगे आओ भाग जाओ? देखिए, अता तारड़ को इतना सीरियस ना ले, और रंगीला वजीर है, उनके अच्छा। उनसे उनकी बातों को सीरियस इसलिए नहीं लेता हूँ कि वो तो पार्टी पे बैन भी लगा रहे थे, वो उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो तो बस हालात को देख के बस शुरू हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि उन्होंने सही कहा है कि गलत कहा है। ये डिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनको छोड़ें। मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए, मेरी जो तनकीद थी वो तनकीद नहीं थी, मैं ये चाहता था कि जो याया जस्टिस याया के खिलाफ जो बातें हो रही थी, तो मैंने ये कहा था कि उनके खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए, जस्टिस याया के खिलाफ हमें उसको वेलकम करना चाहिए। प्रोसेस गलत तो पार्टी में ग्रुप बंदी है, ठीक है, मुझे ये बताएं कि पार्टी में ग्रुप बंदी है? नहीं, चीफ जस्टिस को लेकर आप ये बात जाहिर इसलिए कर रहे हैं ना कि पार्टी में कुछ लोग मुखालिफत कर रहे हैं, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि हमें वेलकम करना चाहिए, हमें जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। अब जब वो बन गए हैं इसमें तो जस्टिस याहिया की कोई गलती तो नहीं है ना, उनको तो नामजद कर दिया गया है ना, अब वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस है, तो हमें उनके साथ रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए, मैंने कहा था और मैं आज भी इस पे कायम हूँ। चूंकि प्रोसेस गलत हुआ था, लेकिन हमसे जो गलती हुई है, जो मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर, कि जब ये शिकवार बहस हो रही थी तो उसमें हमें शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, जब हमने उस पर शिरकत कर ली तो मैंने कहा कि पार्टी को चाहिए था कि वो फिर बाद में भी असेंबली में आके उसको कन्फ्रंट करते, बायकॉट ना करते, मैंने ये कहा था। मतलब कि कमेटी से निकलना नहीं चाहिए था, ये मेरी राय है। आप ये कह रहे हैं कमेटी से जाना नहीं चाहिए, मेरी जाती राय है ना, अगर हम कमेटी के लिए नाम दे सकते हैं, अगर हम शिकवार बहस कर सकते हैं उनके साथ और फिर सारा पैकेज फाइनल हुआ, उसके बाद अगर हम कहते हैं कि नहीं, हम बायकॉट कर रहे हैं क्योंकि हमने नहीं जाना है, ये प्रोसेस गलत है, तो प्रोसेस शुरू से ही गलत था, शुरू से ही उनके साथ नहीं बैठना चाहिए था। आप कह रहे हैं या फिर कमेटी का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट
नहीं, कमेटी को नाम भी नहीं देना चाहिए था, और दूसरा इतना हमें रिलाई नहीं करना चाहिए था मौलाना फजलुर्रहमान के ऊपर, कि उनके ऊपर इतना तकिया किया गया, इतना रिलाई किया गया कि उसको हीरो बना दिया गया, और बाद में जाके उन्होंने वही साबित हुए जो उनपे उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। शौकत यूसुफ साहब, आपने इस तहफुजात का भी और शिकायत भी की कि बैरिस्टर गौर ठीक है चेयरमैन है, तो इसका क्या मतलब है कि वो हमारी कॉल ही ना उठाएं? तो गौर साहब कॉल नहीं उठाते आम लोगों की, आम बंदों की, आम वर्कर्स की? ये मैंने बिल्कुल मेरी शिकायत रही है और मुझे अफसोस भी है, क्योंकि इस मुश्किल हालात में सब तकालीफ से गुजरे हैं सबने, और बैरिस्टर गौर ने बड़ी बहादुरी दिखाई है, लेकिन गिला इसलिए रहता है कि हम भी चाहते हैं कि इमरान खान चूंकि जेल में है तो जाहिर है हमारा भी दिल परेशान है, हम भी परेशान है, और कभी कभी कोई तजवीज़ होती है, और किसी दौर में मैं भी इमरान खान का एडवाइजर भी रहा हूँ, पॉलिटिकल एडवाइजर रहा हूँ उनका, और दो मरतबा सूबाई वजीर रहा हूँ, तो मेरे जहन में भी कोई चीजें होती हैं मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी फोन करूँ वो फोन नहीं अटेंड करते ना जवाब देते हैं, तो मेरा गिला रहा है, बाकी उनकी मर्जी है। सिर्फ आपका गिला ही और लोगों का भी और वर्कर्स का भी गिला है कि गौर साहब तो कॉल ही नहीं उठाते? मुझे नहीं पता है बाकी लोगों का, लेकिन मैं चूंकि वो बंदा हूँ कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है मेरे साथ क्या नाराजगी हो सकती है, मैंने कभी उनके साथ 2018 तो कहा गया कि इमरान खान साहब ने भी बड़ी तारीफ की थी मौलाना के किरदार की, लेकिन अब आप लोगों को अब एहसास हुआ है जब तरमीम होगी कि मौलाना का किरदार सही नहीं था, अब आप लोगों को मौलाना के किरदार पर भी तहफुजात नजर आ रहे हैं, क्यों? नहीं देखिए, ये तो अल्फाज की हेर पेर है ना, मैं ये कह रहा था कि उस पर इतना रिलाई नहीं करना चाहिए था, इतना बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए था, किरदार उनका वो तो अपने हमारे पार्टी का तो नहीं है, उनका अपनी पार्टी है, उनका अपना नजरिया है, अपनी पॉलिसी है, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। मैं ये चाहता था कि आप क्यों इतना ज्यादा उनके ऊपर रिलाई करने लगे हैं, आपकी अपनी पार्टी है, अपना मौकफ है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बयान करें, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? क्या हम बार बार कहते रहे कि जी मौलाना जो है वो नहीं जाएगा उस तरफ, गवर्नमेंट के साथ नहीं मिलेगा, फिर सुबह शाम, तो ये चीज जो थी, देखें ये इससे हमारे जो पार्टी है उस पे बड़ा असर पड़ा है, और ये नहीं होने चाहिए थे, हमने मुखालिफत करनी थी खुलकर करें, और हार जीत तो हर जो होती है, ये तो जमहूरियत तो हो सकता है, लेकिन क्या हिमायत करने का प्रेशर कहीं और से था जिसको अब जोड़ा जा रहा है बुशरा बीबी की रिहाई से, और कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए अब आने वाला जो वक्त है वो रिलीफ लेकर ही आएगा, तो क्या इस बात को दुरुस्त समझा जाए कि जिस मुखालफत की आप बात करेंगे, मुखालफत करनी चाहिए थी, वो हिमायत कहीं के हुक्म से की गई हो और बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो अमल में लाई है? देखिए, बुशरा बीबी ने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी जेल काटी है, उनके ऊपर जो केसेस है वो 9 दिन भी जेल में नहीं रह सकती थी, 9 महीने जेल में रही है, तो मेरे ख्याल से ये चीज के जी वो उन्होंने डील की है या डील का हिस्सा है बिल्कुल गलत, उन्होंने बड़े इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? लेकिन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, उधर से तरमीम होती है, उधर से तरमीम का अमल मुकम्मल होता है, कोई खुल के मुखालफत आप लोग नहीं करते हैं, हर चीज में मौलाना का आप लोगों ने साथ दिया है, हाँ में हाँ मिलाई है, आप लोगों ने कोई मुखालफत नहीं की है, तो बात यह कि उसके फौरन बाद जब बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आती है तो फैसल वाडा उसके बाद ये कहते हैं कि 100% ये डील का नतीजा है। फैसल वाडा कौन है, हुकूमत है या किसी का मोहरा है, क्या है ये? वो कहते हैं बस बिल्कुल बात सही दुरुस्त साबित हो जाती है, ये तो मुझे बात तो है, जो वो बात कहते हैं वो 2 दिन बाद होता जरूर है, अब उनके पास पता नहीं कौन सी चिड़ी है। फैसल वाडा हमारे साथ भी रहा है और उस वक्त भी बड़ा कंफ्यूज रहा है और काफी मशकूक रहा है, तो बहरहाल अब जो उनकी मर्जी है वो रोज टीवी पे आ जाते हैं, रोज कोई ना कोई चीज बयान कर देते हैं, मुझे तो उनका जो होने वाला होता है वो भी बयान करते हैं और वो होता भी है, इसका मतलब है कि उनके सोर्सेस पक्के हैं। देखिए वो जहनी मरीज हैं, पत्नी कितनी कितनी गोलियां खाते होंगे बेचारे टेंशन की वजह से, तो उनको ज्यादा नहीं छेड़ता हूँ मैं,
किसी जमाने में हमारे साथ भी रहे हैं और अच्छा ताल्लुक रहा।